फाल्गुनी पाठक ने नेहा कक्कड़ को उनके गाने ओ सजना के लिए सुनाई खरी खोटी। अब सोशल मीडिया के जरिए नेहा कक्कड़ ने भी दिया मुंह तोड़ जवाब। बॉलीवुड की मशहूर सिंगर नेहा कक्कड़ अपने गाने मैंने पायल है छनकाई के लिए काफ़ी ट्रोल हो रही हैं। दरअसल हाल ही में नेहा कक्कड़ ने फाल्गुनी पाठक के सुपरहिट सॉन्ग मैंने पायल है छनकाई को रिक्रिएट करते हुए ओ सजना गाया है, जिसे लेकर उन्हें सोशल मीडिया यूजर्स के साथ साथ खुद फाल्गुनी पाठक ने खरी खोटी सुनाई है। ट्रोल होने के बाद खुद नेहा कक्कड़ ने भी लोगों को जवाब देने का मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने शनिवार को इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर कर ट्रोल्स को मुंह तोड़ जवाब दिया। अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर उन्होंने ट्रोलर्स को पोस्ट शेयर करके जवाब दिया है। लंबी चौड़ी पोस्ट उन्होंने शेयर किया है और अपने दिल का हाल बयां किया है। इसके साथ ही नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए भी उन्हें ट्रोल करने वालों को, उनसे नफरत करने वालों को करारा जवाब दिया है। नेहा कक्कड़ ने लिखा कि मैं आज कैसा महसूस कर रही हूँ, बहुत कम लोग हैं इस दुनिया में जो मुझे मिले हैं, वो भी इतनी कम उम्र में। इस तरह का प्यार, फेम, सुपरहिट गाने, वर्ल्ड टूर, छोटे छोटे फैंस से लेकर बड़े बड़े फैंस तक, जिसमें 80 से लेकर 90 की उम्र तक के लोग शामिल हैं। आपको पता है कि ये सब मुझे क्यों मिला, मेरे टैलेंट, मेहनत, लगन और मेरी सकारात्मकता के कारण। तो आज केवल मैं भगवान का धन्यवाद अदा करना चाहती हूँ और उन लोगों को भी जिन्होंने मुझे ज़िंदगी में बहुत कुछ दिया। इसके अलावा नेहा ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट के अलावा स्टोरीज भी शेयर की हैं, जिसमें वो ट्रोलर्स को करारा जवाब दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग उन्हें खुश और कामयाब देखकर खुश नहीं हैं, उन्हें उनके लिए बुरा लगता है। उन्होंने लिखा, बेचारे प्लीज़ कमेंट करते रहिए, मैं उन्हें डिलीट भी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं और बाकी सभी जानते हैं कि नेहा कक्कड़ क्या है। अगर इस तरह बुरा बोलकर आप सोच रहे हैं कि आप मेरा दिन ख़राब कर देंगे, तो बता दूं कि मैं बहुत खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं, क्योंकि मैं गॉड चाइल्ड हमेशा खुश रहता है, क्योंकि भगवान उसे खुश रखते हैं। दोस्तों, आपकी क्या राय है फाल्गुनी पाठक के मैंने पायल है छनकाई को रिक्रिएट करते हुए सजना और सजना गीत के बारे में, जिसे नेहा कक्कड़ ने गाया है? आपको ये कैसा लगा, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।